पिछले 2 दिनों से गलन भरी सर्दी के साथ शनिवार को तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राघोगढ़ ब्लॉक में जामनी सहित आसपास के क्षेत्र में मावठ के साथ ओले भी गिरे। तेज हवा के साथ आई बारिश के कारण कई जगह पेड़ गिर गए, वहीं खेत में लगी फसल आड़ी हो गई। किसानों ने फसल में 30-40% नुकसान की आशंका जताई है। गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई और रचना व सरसों की फसलें काटने का समय नजदीक आ गया था, जिसमें नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गेहूं की गांव सरारी, लड़िया, खेड़ा, गाधीर, भोजपुरा, तोड़रा, परेवा, पिपलखेड़ी, सलोटा सहित दर्जनों गांव में तेज हवा से धनिया, गेहूं, यहां तक कि सरसों की फसल भी आड़ी हो गई है। सरारी से किसान मुकेश भील, तोड़रा से कैलाश यादव ने बताया कि तेज आवाज से काफी नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह जमीन से टिक गई हैं, इससे फूल भी कमाएंगे, फली कमाएगी तो फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों रखी कटी फसल भीगी। किसान महाराज सिंह धाकर ने बताया कि मेरी धनिया की फसल को काफी नुकसान हुआ है, तो सार की वजह से धनिया खराब हो गया है, खेतों में होकर फसल नीचे गिर गई है, इससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं जो फसल कटी नहीं है उनके लिए मावठ वरदान साबित होगी, लेकिन फसल आड़े होने से 30% नुकसान होगा। कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा, थोड़ा बहुत असर। जेपी शिवहरे, ग्रामीण कृषि अधिकारी, अभी फसलों का कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2% धनिया के फूल पर असर पड़ सकता है किसी किसी गांव में, बाकी गेहूं की फसल को इससे फायदा हुआ है।